गांव में आती है ना बहू वैसा लगता है, अम्मा जी आपके पैर छू लूं। हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियोस। मैं अनुकृति, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे मैं लॉकडाउन कहीं नहीं जा रही, ये वीडियो मैंने 10 या 15 दिन पहले रिकॉर्ड की थी लॉकडाउन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरे गाना सब पसंद है मेरे को। कितना खराब जोक मारता है गुरु, सीख कुछ मुझसे। Yeah, you're not striking time. हमारे गाइड को ही नहीं मालूम। अंदर कौन नहीं जा रहा? अंदर क्या है, क्यों इधर देख रहे हैं? देखने में पता चलेगा। ऊपर जाता है ये 30 फ्लोर, एक ही फ्लोर है। अच्छा चल के गए, मेरे को लगा पूरा बिल्डिंग है इधर। ओ हम नीचे आ गए। नहीं गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप है इधर, खुल गया रूफ। रूफ पे, ओ माय गॉड। ओ लुक एट दिस, मेरा फोन गुरु के पास आया। सो हम लोग हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के फर्स्ट फ्लोर पर। आप लोग जब अंदर आएंगे तो अंदर एक एलिवेटर होता है, उससे सीधा ऊपर आ सकते हैं। ओके तो तुमको आना नहीं है, क्या बोल रहा है? हो रहा, देखो नीचे ही खड़ा है। क्या कर रहा है? उसको हाइकिंग में जाना है। ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी सदर्न कैलिफोर्निया का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेटरी नहीं है, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं स्पेशली इस ऑब्जर्वेटरी को देखने के लिए। ये 1935 में बना था और अब तक यहाँ पर 81 मिलियन लोग विजिट कर चुके हैं। ये लॉस एंजलिस में है और हॉलीवुड साइन के बहुत ही पास में है, प्लस यहाँ पर एंट्री के पैसे नहीं लगते। सो ये पब्लिक के लिए ओपन है। और शाम को जब आप यहाँ पर जाते हैं और जो इनका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से आपको डाउनटाउन दिखता है और वो इतना खूबसूरत दिखता है, लाइक लिटरली डाउनटाउन एलए बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर स्पेस और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिस्प्लेज हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस मॉनिटर के नीचे मैं खड़ी हूँ यहाँ से आपको लाइव टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पता चल रहा था। सो मेरा बॉडी टेम्परेचर 72-73 के बीच में था। सो ये हुआ ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के बारे में मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो। थैंक यू।